लास्ट क्लास हम लोग देख रहे थे इल्यूमिनेशन मॉडल. अंडर इल्यूमिनेशन मॉडल यू ऑलरेडी डिस्कस अबाउट एम्बिशिएंट लाइट एज वेल एज डिफ्यूज लाइट. तो अनदर मॉडल यानी कि टू मॉडल वी ऑलरेडी डिस्कस. बेसिकली इल्यूमिनेशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू द सेटिंग एंड बोथ आर इंटर रिलेटेड टू द इंटेंसिटी. यानी आपका जो इंटेंसिटी, जिस इंटेंसिटी से लाइट सरफेस पर आपका जो है पर्टिकुलर एरिया पर पॉइंट करेगा, उसके बेसिस पर आपका जो है इल्यूमिनेशन एंड शेडिंग इफेक्ट विल बी अकर. ऑन द बेसिस ऑफ शेडिंग वी विल डिसाइड द कलर स्पेसिफिकेशन ऑफ द सरफेस ऑल्सो. द कलर मॉडल इज ऑल्सो रिलेटेड टू द इंटेंसिटी बिकॉज वेन एवर डिफरेंट इंटेंसिटी से जब आपका कलर यूज होगा तो उसके इंटेंसिटी के बेसिस पर वी डिस्कस द पर्टिकुलर कलर मॉडल. तो देर आर वेरियस कलर मॉडल वी डिस्कस. सम इज यूज फॉर आउटपुट डिवाइस, सम इज यूज फॉर इनपुट डिवाइस, डिस्प्ले डिवाइसेस लाइक योर प्रिंटर एज एन आउटपुट डिवाइस, मोनिटर इज ऑल्सो एज एन आउटपुट डिवाइस. तो वी यूज द कलर इफेक्ट ऑन द बोथ डिवाइसेस. तो वेरियस कलर मॉडल वी जस्ट डिस्कस YIQ. तो सेम इंटेंसिटी वर्क्स व्हेनेवर वी डिस्कस द कलर मॉडल ऑल्सो. तो नेक्स्ट मॉडल इज इट इज द स्पेक्युलरली रिफ्लेक्टेड लाइट. Now, what is the difference between diffused light and specularly reflected light? Anyone? Basically, specularly reflected light is discussed on the basis of the surface. यानी कि surface अगर आपका लाइक हम लोग बात किए थे सॉलिड सरफेस, ऑयली, ठीक है ना, देन शाइनिंग सरफेस, पॉलिश्ड मेटल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेस वी आर यूजिंग ऑन विच द पर्टिकुलर लाइट सोर्स इज इम्पोज्ड और एक्सपोज्ड एंड रिफ्लेक्शन इज ऑन द बेसिस ऑफ द सरफेस. जिस तरह का सरफेस होगा उसके बेसिस पर आपका रिफ्लेक्शन विल बी अकर. तो मेनली जस्ट मेंशन हियर टिपिकली shiny surfaces like you can say polished metal, oily skins, etc. that are neither diffuse reflector nor ideal reflector. ideal reflector that means normal से थोड़ा सा अलग हटके ये surfaces होता है. तो उस case में ना diffuse reflector उसको बोल सकते हैं ना ideal reflector बोल सकते हैं. ideal reflector का example आप ले सकते हैं like mirror. जैसे मिरर इमेज अगर बनता है तो मिरर से रिलेटेड आपका जो सरफेस है तो देयर इज बोथ रिफ्लेक्टर डज नॉट वर्क. तो आइडियल रिफ्लेक्टर यू कैन मेंशन लाइक मिरर इमेज, लाइक मिरर रिफ्लेक्ट लाइट स्पेक्युलरली जब आपका लाइट सोर्स एक्सपोज होता है. तो व्हेन एक्सपोज्ड to point light source. Now these types of reflection we treat as a. तो इस तरह के reflection जो है ये bright spot आपका surface पर या इसको देखा जाएगा तो differently आपका जो है ये view point create करते हैं. On the basis of that view point is the point on which
द पर्टिकुलर सरफेस इज व्यूड, तो जिस पॉइंट से आप सरफेस, जैसे इफ वी आई राइट आर, तो यू जस्ट व्यू दिस करेक्टर ऑन द लोकेशन और ऑन द स्पेसिफिक पिक्सल विच इज यूज टू डिजाइन राइट दिस पर्टिकुलर करेक्टर. योर आई इज फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट. द राइट पार्ट इज नॉट कंसिडर्ड बाई योर आई. Your eye directly focus on this particular point. So when we discuss the 2D viewing and as well as 3D viewing, after discussion of this model, 2D viewing. So 2D viewing mein we just use the two dimensional surface, and 3D viewing mein we are using three dimensional surface. So 3D viewing mein we just use the projections. So various types of projection we'll discuss. Okay, na? Oblique projections. There is a particular projections. So we just differentiate 3D viewing on the basis of projection, and how the particular object is projected with the open eye. Open eye से आप कैसे उसको देख पाते हैं particular view, what is the view of the particular object. Under 2D viewing we discuss. 2D viewing में we have the particular clipping algorithm like Cohen-Sutherland, ठीक है ना. तो for the line, line के लिए है. for the polygon clipping there is a particular. तो viewing actually आपका क्या है, whenever we discuss the viewing, the viewing में we just discuss the world coordinate. so here also we just use that one. so world coordinate, you just imagine the world coordinate. what is the world coordinate? world coordinate is the complete area. suppose this is the display of the monitor. so this is the world coordinate. and under world coordinate there is a window coordinate. there is a window, ठीक है ना. तो world under world coordinate यानी कि entire screen में we consider a windows, and under windows there is certain view port, ठीक है ना. windows के अंदर यानी कि certain area को हम specify करेंगे windows, जहां पर आप view port create करेंगे. तो view port is what? view port is the particular पोजिशन और लोकेशन वेयर यू इम्बेड और एक्सपोज द करेक्टर, वट एवर करेक्टर, और इफ यू वॉन्ट टू एक्सपोज एनी ऑब्जेक्ट, यू एक्सपोज द ऑब्जेक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया. तो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट का पार्ट आपका विंडोज, विंडोज के अंदर आपका व्यू पोर्ट होगा. यानी कि अगर हम इस पूरे स्क्रीन को देखें, तो इस पूरे स्क्रीन में ये आप अगर सपोज करो कि इस पूरे स्क्रीन में इसको हम अगर वर्ल्ड कोऑर्डिनेट मान लें, दिस इज द डब्ल्यू सी वर्ल्ड कोऑर्डिनेट. तो अंडर दिस वर्ल्ड कोऑर्डिनेट देर इज सर्टेन विंडोज. We just specified for viewport. So this one is the window, and under this window there is certain location where we expose the particular object को जहाँ पर expose करेंगे. So this is the viewport. So under world coordinate there is a window, and inside the windows there is a viewport where certain object is exposed, and it is viewed through the open eye. Now under two dimensional viewing, yani we are using the row column for pixels. So two dimensional viewing mein we just imagine the world coordinate on the basis of the pixels covered under row and column. So row or column ke basis par aapka pixels hoga, aur uske basis par aapka window create hoga. Just imagine the slide preparation in PowerPoint. PowerPoint mein slide preparation karte hain, to there is a particular slide. Ek slide ka aapne select kiya पर्टिकुलर स्लाइड को, उस स्लाइड के अंदर सर्टेन एरिया है जहां पर आप टेक्स्ट को एंट्री करते हैं, सर्टेन एरिया है जहां पर इमेज को एंट्री करते हैं. यानी कि द एरिया इन विच ऑन विच यू आर एम्बेडिंग सर्टेन टेक्स्ट. तो योर ओपन आई इज जस्ट व्यू दैट करेक्टर डायरेक्टली ऑन दिस व्यू पोर्ट. यानी कि उस व्यू पोर्ट का यूज करता है आपका ओपन आई टू व्यू द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन टू डायमेंशनल प्लेन. तो टू डायमेंशनल सर्फेस पर आप उसको देख पाते हैं. So we just discuss 2D viewing, and under 2D viewing we discuss the world coordinate. What is the world coordinate? So you can imagine world coordinate to any area where the particular text or object or any types of controls or tools are embedded for giving certain information. कोई भी information देने के लिए जो भी आप information देना चाहते हैं. तो there is a particular conditions for this. तो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ आपका variations of result हो सकता है, ठीक है. Specularly reflected light में there is a variations on the basis of the surfaces. तो the particular
इक्वेशंस यूज फॉर स्पेकुलरली इंटेंसिटी के लिए जो यूज करेंगे दैट इज आई एन दैट इज द इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी. तो आई स्टैंड फॉर इंसिडेंट एंड आई स्टैंड फॉर इंटेंसिटी. इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी के लिए आई ई आई आई के एस एंड देन कॉस एन एस अल्फा. नाउ हियर आई यू ऑलरेडी नो दैट इज द इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी. KS is the coefficient of specular reflection. Specular reflection. And next one is the cos alpha. So we can replace this particular equations by, you can also replace it by spec is equal to I K S dot R dot V. So R dot V just like a cos theta we are taking NL normal vector के लिए लिए थे. तो यहाँ पर भी आप R use कर सकते हैं and R is just replace the particular. तो R is what V and R are the unit vector along the view point and the specular. That's why I discuss the viewport. That is that depends on the particular viewport के basis पर आपका view point discuss होगा. तो the V is mentioning the view point, the surface where the particular view is occur, and R is the unit vector. Now there is certain consideration whenever we discuss the color factor. So there is certain factor that is the distance factor. So on the basis of the distance factor, like अभी हम लोग जैसे discuss किए कि your surfaces यानी कि quality or the type of the surfaces से आपका vary करेगा. तो उस तरह से there is a particular distance factor also from which distance the light is exposed to the particular surface. किसी particular surface पर point कर रहा है light. What is the distance of that particular? तो incentive आपका जो intensity होगा light का वो distance बढ़ने से कम होगा या बढ़ेगा? Anyone? अगर आपका जो है light energy जो है दूर से अगर light source से अगर किसी particular surface को आप expose करते हैं तो इंटेंसिटी आपका अफेक्टेड होगा या एज इट इज रहेगा? तो उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. दैट इज टर्म्ड एज एटेन्युएशन फैक्टर. है ना, एटेन्युएशन फैक्टर. एंड दैट इज द फैक्टर कॉमनली ऑन द बेसिस ऑफ विच द डिस्टेंस इज अफेक्टिंग द पर्टिकुलर सोर्स. तो एज वी नो दैट as we know that intensity of light energy falls off as it travels farther from light source. So intensity profile. So intensity profile of two identical surfaces
अंडर इवन लाइटनिंग लाइटिंग conditions cannot be identified or cannot be identical, you can say cannot be identical if they are at different distances from light source and or viewpoint. So distance affected the particular intensity. So intensity profile आपका identical नहीं हो सकता है अगर आप एक ही identical surfaces पर different distance से light source का utilization कर रहे हैं. So now this factor on the basis of which the intensity affected, this factor is termed as attenuation factor. So attenuation factor आपका जो है उसके basis पर भी आपका ये जो तीनों हम लोग discuss किए intensity using your diffused light, intensity for specularly deflected light is also affected through the attenuation factor. तो दिस पर्टिकुलर टर्मोलॉजी दिस ये कंडीशंस जो है दिस कंडीशंस इज गिव अ न्यू टर्मोलॉजी व्हिच इज यू से दैट द लिमिटेशंस फॉर द इल्यूमिनेशन मॉडल. तो डिस्टेंस फैक्टर के बेसिस पर भी आपका जो है इफेक्ट चेंज हो सकता है. दैट्स व्हाई वी कैन मेंशन हियर अ फैक्टर कॉमनली दिस फैक्टर इज कॉमनली नोन एज द एटेन्यूएशन factor and which will reasonably आपको clear करना होगा जब भी आपको इस चीज को calculate करना होगा कि whether either any attenuation factor is there or not. So needs we'll know that attenuation factor needs a proper consideration whenever any illumination models will be handled. So on the basis of this attenuation factor the equation will be changed for intensity for diffuse light. Now here the attenuation factor will be added FATT I then KD N dot L that is the equation. So diffusion के लिए यहाँ पर attenuation factor एक आपका add हो जाएगा. Similarly for specularly illumination model के लिए why this equations is used whenever any numerical comes ठीक है ना. So you have to in the numerical there is a value given for the particular attenuation factor, intensity, incident light intensity, coefficient जो है वो सब दिया रहता है. तो I spec again यहाँ भी आपका attenuation factor add हो गया. तो नाउ अब ये है कि आप हाउ यू कैन डिफाइन द पर्टिकुलर attenuation फैक्टर. तो फॉर कैलकुलेटिंग attenuation फैक्टर इफ द attenuation फैक्टर इज नॉट गिवन टू यू सम अदर फैक्टर इज गिवन टू यू लाइक डिस्टेंस फ्रॉम द परस्पेक्टिव व्यू पॉइंट और ऑब्जेक्ट जो जिसको व्यू कर रहे हैं उसका उसके लिए जो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट ले रहे हैं. तो द फॉर्मूला फॉर दिस इज 1/dp+k. If the attenuation factor is not provided, then here and k is the constant, arbitrary constant. And dp is the distance from. है फोटो चाहिए फोटो पीछे हाँ फोटो शीट
जरूरत है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड पर्सपेक्टिव व्यू पॉइंट। तो वंस यू हैव डिस्टेंस फ्रॉम पर्सपेक्टिव व्यू पॉइंट यानी कि द पॉइंट वेयर द पर्टिकुलर लाइट इज एक्सपोज एंड फ्रॉम वेयर द लाइट सोर्स इज देयर। तो डिस्टेंस अगर दिया हुआ होगा आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट के दिया होगा तो यू कैन फाइंड आउट द एडमिशन फैक्टर। Now, as we discussed that ki your illumination model is also related with the shading. So shading, like you use the color shading, so there is particular shading. So shading is also one of the important part of the particular illumination model, and all are interrelated. हाँ बोलिए सर, पीछे वाले क्वेश्चन में एनएस का मतलब क्या हुआ? जो नॉर्मल सरफेस। एक स्टैंडर्ड इक्वेशंस निकालेंगे ना, यस सर, उसी के लिए। और एक कॉस अल्फा के बगल में एच लिखा हुआ था, वहां पे एच का मतलब एच लिखा हुआ था। हाँ, स्पेकुलर वाले में वहां एच लिखा हुआ है। यहाँ पर सर आई स्पेकुलर के फॉर्मूला में एन एस है या एच है? वो के एस है, के एस उसके बगल में कॉस अल्फा, कॉस एन एस अल्फा। ओके सर। सेटिंग लाइक इल्यूमिनेशन, सेटिंग इज ऑल्सो रिलेटेड विद द इंटेंसिटी, ठीक है ना? तो अब इंटेंसिटी आपका सेटिंग जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटिंग होगा, बट बिफोर डिस्कशन ऑफ द पर्टिकुलर व्हाट डू यू मीन बाय सेटिंग, एनीवन? इल्यूमिनेशन इज ऑल्सो used for handling the intensity, यानी intensity calculation के लिए illumination use करते हैं, we are using various model, setting is also used for the same, yes. सर जो shading होता है सर वो मतलब display के लिए होता है सर, मतलब surface के लिए, मतलब जो भी intensity का जो color होता है surface पर, appearance के लिए, yes. और what about the illumination? सर उसी का मतलब ये है सर, मतलब क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन है सर उसी का रेफर्ड सर। इसको मतलब कि इल्यूमिनेशन इज द वेरियस लाइटनिंग कंडीशन, यस सर, यानी डिफरेंट लाइटनिंग कंडीशंस आर कम्स अंडर इल्यूमिनेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट व्हाट आर द अपीयरेंस ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दैट इज रिलेटेड विद द सेटिंग। योर सेटिंग इज ऑल्सो depends on the surface, ठीक है ना? As like illumination model we discuss, the intensity vary on the basis of the surface, lightning conditions आपका वो vary करता है। उसी तरह से अगर हम intensity की बात करें तो अगर हम देखेंगे तो आपका जो intensity of light है वो basically reflect करता है point जहां से lighting आपका effect होगा और surface conditions बेसिकली। तो इल्यूमिनेशन जैसे आपका इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, वी कैन कैलकुलेट हाउ इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट इन अ गिवन लाइटिंग एंड सरफेस कंडीशन, उसी के बेसिस पर वी आर यूजिंग द शेडिंग टेक्निक्स फॉर फाइंडिंग इंटेंसिटी प्रोफाइल ऑफ अ सरफेस एज ए होल टू स्टिमुलेट इट्स अपीयरेंस, ठीक है ना, अपीयरेंस वाइज अंडर गिवन लाइटनिंग लाइटिंग कंडीशंस। तो दिस टाइप्स ऑफ इल्यूमिनेशन मॉडल, ये जो टेक्निक जो आप इसको बोलते हैं, ये इसको बोल सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इल्यूमिनेशन मॉडल्स। तो सेटिंग इज व्हाट, सेटिंग इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इल्यूमिनेशन मॉडल एट विजिबल पॉइंट ऑफ ए सरफेसेस, ठीक है ना? जो भी आपका विजिबल जो सरफेसेस पर पॉइंट है उस पर आप इफेक्ट लगाते हैं
कलर शेडिंग भी आप करते हैं, कॉन्स्टेंट शेडिंग, फ्लैट शेडिंग, तो वी हैव टू डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ शेडिंग एंड सम शेडिंग इज द फ्लैट शेडिंग एंड सम शेडिंग इज द इंटरपोलेटेड शेडिंग. तो आई थिंक दैट यू मस्ट हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरपोलेशन. इंटरपोलेशन क्या होता है समझ जानते होंगे, मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे इंटरपोलेशन, स्टेटिस्टिक्स में. What is the interpolation? Anyone? Because we just use two types of shading. We discussed two types of shading. One is the constant shading. Under shading, we discuss one is the constant shading and another one is the interpolated shading. So constant shading, so normal flat shading, आप जिसको बोलते हैं, और interpolated shading में then we discuss the Phong, ठीक है ना? एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटिंग लाइक फॉन्ग सेटिंग. फॉन्ग सेटिंग के अलावा जो है ग्रॉड सेटिंग, फॉन्ग सेटिंग, ग्रॉड सेटिंग, ये बेसिकली आपका दो इम्पोर्टेंट सेटिंग है जो हम लोग जो है डिस्कस करते हैं अंडर इंटरपोलेटेड सेटिंग. तो फॉन्ग सेटिंग इज देयर एंड ग्रॉड सेटिंग इज देयर. तो whenever we discuss the interpolated shading, then you must have the little bit concept of interpolation. So I think, I assume that, I expect that you have must have a ye concept aapka hoga. Interpolation kya hota hai, interpolation kaise kisi nikalte hain, ye sab pata hai na sabko. Otherwise, I just give you the brief about interpolation also, because that interpolation is implemented in Phong as well as Grand shading. And if you have already idea about the interpolation, then we directly implement that Phong and Grand and how the interpolation works there. So, अगर आप नहीं भी पता होगा तो इसका terminology समझ में आ जाएगा. लेकिन अगर terminology पता होगा तो interpolation basically in between कोई भी distance के लिए हम interpolation का use करते हैं. आपका किसी भी सरफेस पर इन बिटवीन कोई भी अगर कंसीडरेशन लेते हैं तो इंटरपोलेशन इज यूज टू फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑन डिफरेंट पॉइंट. लाइक अगर ये हमारा सरफेस है, इस सरफेस पर हम अगर अलग अलग पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना चाहेंगे तो वी जस्ट यूज इंटरपोलेशन, ठीक है ना. तो इस पर्टिकुलर सरफेस पर सिमिलरली एनी पॉलीगॉन और एनी अदर सरफेसेस वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ इंटरपोलेशन वी कैन फाइंड आउट. लेकिन कांस्टेंट सेटिंग का मतलब है कि अगर फ्लैटेड आपको जो सरफेस पॉलीगॉन सरफेस का अगर यूज करें तो सिंपलेस्ट सेटिंग मॉडल आपका कांस्टेंट सेटिंग है. तो कांस्टेंट सेटिंग आपका है क्या कि नॉर्मल आपका जो वेक्टर है और लाइट सोर्स जो है यूज करके आप कांस्टेंट सेटिंग निकाल सकते हैं, ठीक है. तो दिस इज द बेसिक अप्रोच ऑफ सेटिंग, दैट इज कांस्टेंट सेटिंग. एंड इंटरपोलेटेड सेटिंग में वी जस्ट यूज इंटरपोलेशन टू फाइंड आउट द इंटेंसिटी एट डिफरेंट पॉइंट ऑन द सरफेस. So we just use Phong and Grand to find out the interpolated setting. So agar terminology dekha jaye setting ke liye to do tarah ka terminology hum log discuss karenge, constant aur dusra interpolated. Aur ye bar bar question pucha hua hai Phong aur Grand mein se, Phong model of setting and Grand model of setting. So first of all we just discuss, as we know that in illumination model we calculate intensity of light reflected from a point in a given lighting and surface conditions. Now we are going to implement that model. And if we, whenever we are implementing the model, then it is the part of setting. So earlier we discussed the way
टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट गिवन लाइटिंग एंड सरफेस कंडीशन. तो डिफरेंट सरफेस कंडीशंस के बेसिस पर वी कैन फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ द पर्टिकुलर रिफ्लेक्टेड लाइट एंड देन आफ्टर वी जस्ट इम्प्लीमेंट दैट इक्वेशंस टू फाइंड आउट द शेडिंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपीयरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट अपीयरेंस के लिए हम लोग शेडिंग यूज करेंगे. ठीक है, तो आफ्टर दैट नाउ सिमिलरली नाउ we have to use shading techniques for finding intensity profile of a surface as a whole to stimulate or organize stimulate appearances under given lighting and surface conditions. Lighting conditions. Now this technique through which we do this one, such technique is termed as implementation of illumination model at each visible point of surfaces defined by polygon. Yes. So various types of setting we discuss. So various types of setting mein basically there are two types of setting. The first one is the constant setting and second one is the interpolated setting. Constant setting and interpolated setting. And under interpolated setting we have to discuss Phong setting. Sometime it is also known as Phong models. Okay, na? Phong model and Phong setting both are same. Phong setting and Murad setting. So these two types of setting we have to discuss. Now first we discuss the constant setting. As per the name is concerned, constant setting ka matlab kya hai? This is termed as flat setting. So यहाँ पर क्या है, इंस्टीड ऑफ अप्लाइंग इल्यूमिनेशन मॉडल सेपरेटली एट ईच पॉइंट, जैसे इंटरपोलेशन में हम करेंगे, तो इंटरपोलेशन में क्या बताया कि अगर हम कोई पर्टिकुलर सरफेस को ले रहे हैं तो वी कंसीडर अ नॉर्मल, यानी कि एक जनरलाइज सेडिंग आपका जो है इक्वेशंस निकालेंगे ऑन डिफरेंट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पर. बट कॉन्स्टेंट सेडिंग में बिकॉज सरफेस इज फ्लैट तो नो नीड टू फाइंड आउट द, बिकॉज आपका जो लाइट जो सोर्स है वो आप सपोज करो कि अगर एक फ्लैट सरफेस है और एक आपका जो है सरफेस जो है डिफरेंट फ्लैटेड सरफेस नहीं है, फेसेड सरफेस नहीं है, तो उस केस में डिफरेंट पॉइंट पर आपका जो है वो इल्यूमिनेशन डिफरेंटली इंटेंसिटी आपका जो है वेरी करेगा. तो उसके लिए हम इंटरपोलेशन का यूज करेंगे अलग अलग पॉइंट पर इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए. बट इन केस ऑफ कॉन्स्टेंट सेटिंग देयर इज नो एनी कंसेप्ट ऑफ फाइंडिंग इंटेंसिटी ऑन डिफरेंट पॉइंट. तो इल्यूमिनेशन आपको सेपरेटली ईच पॉइंट पर सरफेस पर ये अप्लाई करने का जरूरत नहीं होगा इल्यूमिनेशन मॉडल टू डिटरमाइन अ सिंगल इंटेंसिटी वैल्यू फॉर पॉलीगॉन. तो ऑल पॉइंट्स ओवर द सरफेस इज डिस्प्लेड ऑन द सेम इंटेंसिटी वैल्यू. तो इन कॉन्स्टेंट सेडिंग में किस तरह का कलर आएगा, एनी वन? वेदर वी कैन यूज मिक्स टाइप्स ऑफ कलर, अगर कलर सेडिंग की बात किया जाए तो कॉन्स्टेंट सेडिंग में
whether we mix up the color or there is a scope to vary the particular color combinations if the flatted surface we have. बताइए, एक ही इंटेंसिटी वैल्यू से यूज होगा, तो अगर रेड है तो रेड ही होगा, यानी कि डिफरेंट कलर शेडिंग यूज कर सकते हैं? एनीवन? डिफरेंट, अगर हम शेडिंग के बाद हम लोग कलर मॉडल डिस्कस करेंगे, तो कलर मॉडल में क्या डिफरेंट शेडिंग यूज कर सकते हैं? You can कोई नहीं बता रहे जी. अच्छा चलिए, पॉइंट वाइज मेंशन. तो कांस्टेंट सेटिंग इज जस्ट, इट इज द सिंपलेस्ट सेटिंग मॉडल फॉर ए पॉलीगॉन सरफेस. देन इन It is also known as flat or faceted shading. Shading. यहां पर अलग अलग पॉइंट पर आपको इलिमिनेशन मॉडल अप्लाई करने का जरूरत नहीं है. तो इंस्टीड ऑफ अप्लाइंग इल्यूमिनेशन मॉडल, इल्यूमिनेशन मॉडल सेपरेटली एट ईच पॉइंट ऑफ द सरफेस Point of the surface, this model specifies applies. This model applies the illumination model. Only once. To determine a single intensity value for a polygon, तो different intensity आपको नहीं करना है, because flat surface में आपका same intensity से जो है shading occur होगा. तो जितने भी पॉइंट हैं, दैट मींस कि ऑल पॉइंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सरफेस, ऑल पॉइंट्स ओवर अ सरफेस ऑफ ए पॉलीगॉन आर देन डिस्प्लेड विद द सेम इंटेंसिटी वैल्यू. सेम इंटेंसिटी वैल्यू, अगर सेम इंटेंसिटी वैल्यू अप्रोच होगा तो उस केस में वेरिएशन नहीं होगा. सेम इंटेंसिटी से कोई भी पर्टिकुलर आपका कलर इफेक्ट भी जनरेट होगा. तो इसमें क्या है कि ऑल लाइट सोर्सेज आर एट इंफिनिटी, इंप्लाइंग एन डॉट एल, दैट मीन्स अल्टरनेशन फैक्टर आर कॉन्स्टेंट अक्रॉस पॉलीगॉन सर्फेस. तो कॉन्स्टेंट सेडिंग में जो हम लोग बात किए अल्टरनेशन फैक्टर, ये भी क्वेश्चन रहता है, आ सकता है whether attenuation factor affect the constant shading. So no, in constant shading attenuation factor does not affect the particular intensity, because no attenuation factor is there, because all points over the surface of a polygon are displayed with the same intensity value. So yahan par aapka attenuation factor constant hoga across the particular. So you can also mention this particular point.
अप्रोच फॉर कॉन्स्टेंट सेटिंग, व्हाट आर द अप्रोच फॉर द कॉन्स्टेंट सेटिंग। तो सबसे पहला चीज कि आपका जो है एटेन्यूएशन फैक्टर यहाँ पर कॉन्स्टेंटली वर्क करेगा, क्योंकि एटेन्यूएशन फैक्टर अफेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ द पर्टिकुलर मॉडल एंड इल्यूमिनेशन मॉडल में, डिफरेंट मॉडल में जो आपका है एटेन्यूएशन फैक्टर अफेक्ट करता है आपका वैल्यू ऑफ द इंटेंसिटी को। तो बिकॉज यहाँ पर ऑल लाइट सोर्सेस जो है वहाँ एटेन्यूएशन फैक्टर वहाँ पर कॉन्स्टेंटली वर्क करेगा। और यानी कि यहाँ पर आपका इलिमिनेशन जो आपका मॉडल एन डॉट एल जो यूज होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू द फर्स्ट मॉडल इलिमिनेशन मॉडल। Normal to the particular and attenuation factor are constant across a polygon surface. First point. तो इसलिए ये ज्यादा आपका ऐसा ये कॉन्स्टेंट सेटिंग जो है ज्यादा इफेक्ट आपका जनरेट नहीं कर पाता है। द व्यू पॉइंट इसके लिए क्या होगा, द व्यू पॉइंट इज एट इंफिनिटी इंप्लाइंग वी डॉट आर इज कॉन्स्टेंट अक्रॉस अ पॉलीगॉन सरफेस। So it is not appropriate for curved surface. So for curved surface it is not appropriate. It is appropriate for polygon surface having flatted surface. अगर curved surface होगा तो उस केस में constant setting is not working in a proper manner. So that's why the interpolated setting came into existence. And under interpolation polated setting, we just find out the particular intensity on different locations or different point of the particular polygon. So curved surfaces is also handled by the interpolated setting. So in next class we will continue this one.